आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में नगर निगम द्वारा आयोजित मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक हुई। संपन्न निगरानी समिति के सदस्यों का बढ़ाया हौसला, कहा पर्याप्त मात्रा में मेडिकिट है उपलब्ध, गली मोहल्ले में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की रखे जानकारी ताकि कोरोना को कर सके परास्त। जल्द ही जिले में 500 बेड के कोविड अस्पताल होंगे शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे सौगात, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जनपद में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 25 और 26 मई को ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से होगा शपथ ग्रहण, डीपीआरओ एवं सीडीओ ने दी जानकारी। शासन ने प्राइवेट लैबों के सीटी स्कैन की अधिकतम राशि को 2500 रुपए किया निर्धारित, सीएमओ ने कहा निर्धारित राशि से ज्यादा धन उगाही करने वाले लैबों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर की जाएगी कार्यवाही। जनपद में पिछले साल की तुलना में 150% से अधिक की हो चुकी है गेहूं की खरीदारी, एडीएम फाइनेंस ने किसानों से की अपील, कहा क्रय केंद्रों पर पहुंचकर करें गेहूं की बिक्री। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति के कार्यकर्ता घर घर जाकर मेडिसिन किट का कर रहे हैं वितरण, सीडीओ ने दी जानकारी। कोरोना वायरस की जांच में खेल करने पर पैथवार डायग्नोस्टिक को किया गया सील, 10,105 सैंपल लंबित होने पर रियल टाइम पामरी चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर जांच के लाइसेंस को सीएमओ ने किया निरस्त। नगर आयुक्त के नेतृत्व में वार्ड नंबर 38 दिलेजागपुर के पार्षद ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को भाप लेने वाली मशीन का किया वितरण, नगर आयुक्त ने कहा यह मशीन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में होगी काफी कारगर साबित। गोरखपुर में शनिवार को मिले 180 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 57,789, अब तक 619 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 4,525 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों का हुआ असर, बाजारों में मछलियों की मांग घटी, लोग खाने से बच रहे हैं मछली, सीएमओ ने कहा मछलियों में नहीं देखने को मिला किसी तरह का संक्रमण। भविष्य में होने वाले कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में बढ़ाए जा रहे बेड, सीएमओ ने कहा संक्रमण से निपटने के लिए है तैयार। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर किया गया 15,645 लोगों का वैक्सीनेशन, 45 साल से ऊपर के 9,189 तथा 18 साल से ऊपर के 6,317 लोगों ने कराया टीकाकरण, सीएमओ ने कहा कराएं वैक्सीनेशन, रहे सुरक्षित। और शासन के निर्देश पर लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का शनिवार को भी पुलिस ने कराया पालन, अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर की कार्रवाई, एसपी सिटी ने कहा जनता करे कोविड के दिशा निर्देशों का पालन जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम।